हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में बात कर रहे हैं, अगर आप पैन कार्ड न्यू बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और क्या क्या लगता है, टोटली इस वीडियो पर आपको बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में घंटे का निशान दबा दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप पैन कार्ड न्यू अप्लाई करना चाहते हैं या फिर कोई फॉर्म उसे भर रहे हैं या फिर आप बनाने के लिए आप कहीं जा रहे हैं तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट को लेके जाना होगा, इस वीडियो में आपको पूरे बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पास जो आईडी प्रूफ है वो क्या क्या होना चाहिए। देखिए, अब हर एक आदमी के पास आधार कार्ड होता है, तो आधार कार्ड का जो ओरिजिनल कॉपी होता है उसे आपको लेके जाना होता है। अगर वो नहीं है तो साथ में आप वोटर आईडी कार्ड लेके जा सकते हैं, राशन कार्ड लेके जा सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड फिक्स है, आप आधार कार्ड ओरिजिनल लेके ही जाएँ। और अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो उससे भी आप काम कर सकते हैं, आपको बता दें। और पासपोर्ट फ़ोटो दो ठो लगता है, तो आप अपना फ़ोटो जो पासपोर्ट साइज़ का जो दो फोटो है उसे लेके जाना होता है। और आप जो फॉर्म है, अगर आप फॉर्म आप अपने घर में भरना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीके से उस फॉर्म को आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आप वहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके आपको सब कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ करना होता है, वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पैन कार्ड का जो फॉर्म है उसे डाउनलोड करना अगर है तो आपको यहाँ पर लिखना है पैन PDF फॉर्म, पैन कार्ड PDF लिख देंगे और सर्च कर देंगे, और या फिर डाउनलोड लिख सकते हैं। तो आपको बता दें कि ये अधिकतर जो है पैन कार्ड NSDL और UTI कंपनी जो है वो दोनों बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों में फर्स्ट वाला जो वेबसाइट है NSDL का है और दूसरे में UTI का है। तो आप अपने अनुसार, अगर आप NSDL से भी काम कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और UTI से भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जो दोनों एक ही मतलब कंपनी अलग है लेकिन दोनों काम करती है, तो NSDL ज़्यादा पॉपुलर है, उसके बाद UTI है। तो आप अपने अनुसार जो भी आपको डाउनलोड करना है दोनों से यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह आपको क्लिक करना है और आपको एक PDF फॉर्म मिल जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे PDF फॉर्म लिखेंगे PDF डाउनलोड तो इसे सर्च करना है, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ PDF नाम का आपको दो तीन वेबसाइट यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में 49 ये जो है इसका फॉर्म का नाम है 49 ये, और यहाँ पे इस तरह देख सकते हैं यहाँ पे आ गया। बस इसको आप प्रिंट निकाल लेना, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो निकाल सकते हैं, अन्यथा आप साइबर कैफे से या फिर कहीं से भी आप इसे प्रिंट करवा सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको, जैसे आप यहाँ सर्च करेंगे तो लास्ट में देखिए यहाँ पे PDF का फॉर्म यहाँ पे देख सकते हैं चौथे नंबर वेबसाइट पर आ रहा है। देखिए फर्स्ट वाला ये हुआ, दूसरे ये हुआ, और तीसरे नंबर में है, यहाँ पर देख सकते हैं 49, या फिर यहाँ पे पैन कार्ड 49 PDF लिख सकते हैं, पैन कार्ड 49 ये PDF लिख दें, PDF और सर्च कर देना है। अगर UTI का तो UTI और NSDL का तो NSDL ना लिख के सर्च कीजिएगा, तो आप यहाँ पे दोनों पैन कार्ड आ जाते हैं फॉर्म। यहाँ पे देख सकते हैं एक मैंने UTI का बनाया, यहाँ पे देख सकते हैं एक UTI का है और एक NSDL का है। तो आप अपने अनुसार दोनों को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर दोनों को प्रिंट कर सकते हैं, जब आपको जो काम लगे उसे आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में घंटी का निशान दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।